आज का हमारा लफ्ज़ है कंटेंट या कंटेंट। इस शब्द के इस लफ्ज़ के दो तलफ़ुज़ हैं, दो प्रोनंसिएशन हैं, दो उच्चारण हैं। एक तो है कंटेंट, कंटेंट, और दूसरा है कंटेंट, कंटेंट। स्पेलिंग एक ही है लेकिन उच्चारण या तलफ़ुज दो अलग अलग हैं, कंटेंट या कंटेंट। कंटेंट का मतलब कुछ और है और कंटेंट का मतलब कुछ और है। तो आइए पहले देखते हैं कंटेंट का क्या मतलब है। जब हम इसका उच्चारण कंटेंट करते हैं तो ये किस मायने में इस्तेमाल होता है। कंटेंट, बॉक्स, बैग या कमरे में मौजूद चीज़ें। कंटेंट, बॉक्स, बैग या कमरे में मौजूद चीज़ें, कंटेंट। आइए एक जुमले में इस्तेमाल देखते हैं इसका। मोस्ट ऑफ द गैलरीज कंटेंट्स वर डैमेज्ड इन द फायर। गैलरी की ज़्यादातर चीज़ें आग में तल्फ हो गईं। गैलरी की ज़्यादातर चीज़ें आग में नष्ट हो गईं। मोस्ट ऑफ द गैलरीज कंटेंट्स वर डैमेज्ड इन द फायर। गैलरी की ज़्यादातर चीज़ें आग में तल्फ हो गईं या गैलरी की अधिकतर चीज़ें आग में नष्ट हो गईं। अब एक तलफ़ुज़ इसका है कंटेंट, कंटेंट। जब हम इसका उच्चारण कंटेंट करेंगे, जब हम इसका तलफ़ुज़ या उच्चारण कंटेंट करेंगे तो इसका मतलब हुआ खुश, संतुष्ट, मुतमईन। कंटेंट का मतलब है खुश, मुतमईन, संतुष्ट। आइए इसका एक जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। Andy was a good husband and Nikki was clearly very content. Andy was a good husband and Nikki was clearly very content. Andy अच्छा शौहर था और Nikki बिना शुबा बहुत खुश थी। Andy अच्छा पति था और Nikki निस्संदेह बहुत खुश थी। Andy was a good husband and Nikki was clearly very content. एंडी अच्छा शौहर था और निकी बिलाशुबा बहुत खुश थी। एंडी अच्छा पति था और निकी निसंदेह बहुत खुश थी।